दिवाली हो गई है फ्रेंड्स, और अब बस नेक्स्ट फेस्टिवल्स का इंतजार है, जैसे कि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, और बहुत सारे बर्थडेज भी आते हैं इन मंथ्स में हमारी फैमिली में, उनका इंतजार है। अब मैं अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ आज से, लेकिन पूरी तरह नहीं आई हूँ, तो अपनी थाली तो दिखाऊंगी। लेकिन एक बात और बताऊँ, हमारे घर में पेंटिंग चल रही है। आप लोग सोच रहे हो कैसे उल्टे लोग हैं ना, जो दिवाली के बाद पेंटिंग करवा रहे हैं, लेकिन क्या करें, उसके पहले हमें जो है वो अपॉइंटमेंट मिली नहीं, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी उन लोगों की, तो इस वजह से जो है वो पेंटिंग नहीं हो पाई। तो अभी काम स्टार्ट हुआ है, घर पूरा जो है ना आप समझ सकते हो उथल पुथल हुआ हुआ है। मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, कल मामा के घर पे जाके थोड़ा सा शूट किया और आपके कमेंट्स के भी जवाब नहीं दे पाई बहुत दिन में बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स। तो आज अभी खाना खाने के बाद मैं बैठूंगी, जितने कमेंट्स हो पाएंगे उन सबका मैं जवाब दूंगी, लेकिन अगर कोई मिस हो जाए तो पहले से कह देती हूँ सॉरी। आप लोग कॉमेंट्स देना बंद मत कीजिएगा, मैं ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे टिप्स पढ़े थे कि नहीं? मैंने टिप्स कुछ पोस्ट्स में मैं आजकल डाल रही हूँ कि कैसे हम अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम क्या खाना चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल्स के बाद जो कि पुट ऑन हुआ हुआ वेट होता है वो कम हो जाता है। सो व्हाट्स इन माय थाली टुडे, मैं भी कुछ ऐसा ही खाना खाने जा रही हूँ, लेट्स सी। आप लोगों ने मेरा पोस्ट देखा कि नहीं फ्रेंड्स, जो मैंने खिचड़ी के ऊपर दिया था कि एक होलसम मील है, हम वाइट राइस की खिचड़ी भी खाएं तो भी मोटे नहीं होंगे, और फेस्टिवल्स का हैवी खाना खाने के बाद ही बहुत अच्छा तरीका है हमें एक बैलेंस्ड मील लेने का, अपने आप को जो है वो डिटॉक्स करने का भी और होलसम मील खाने का। हाँ, हो सके तो वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। आज मैंने वेजिटेबल ऐड नहीं की है, वैसे मैं अक्सर पालक, मेथी, कोई भी पत्ते वाली सब्जी, लौकी वगैरह दाल के साथ सब ऐड कर देती हूँ। बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभी तो गोभी भी ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ी वेजिटेबल साथ में चली जाए। आज मैंने सिर्फ बनाई है चने की दाल की खिचड़ी। और एक बात और बताना चाहूंगी कि किस तरह से जो है आप वेट मैनेज करेंगे, जब हम खिचड़ी बनाएं, सपोज चार लोगों के लिए बन रही है, तो आप चार टीस्पून जो है वो घी का तड़का लगाइए, ताकि एक एक टीस्पून सबके हिस्से में आ जाए, उस हिसाब से लगाइए। तो क्या होगा कि घी अंदर जो गुड फैट्स हैं वो भी चला जाएगा, लेकिन आपको मोटापा भी नहीं आएगा, और स्पेशली जो फेस्टिवल्स में हमने एक्स्ट्रा खाया होता है मीठा वगैरह, वो सब भी जो है वो जितना भी उससे हमें एक्स्ट्रा कुछ आया होता है वो भी बैलेंस हो जाता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हेल्दी खाने के साथ साथ हल्की बहुत वॉक तो शुरू कर दीजिए, ब्रिस्क वॉक हो सके तो अच्छा है, 45 मिनट के लिए डेली कीजिए, देखिए आप हमेशा फिट रहेंगे। और ये रही मेरी खिचड़ी, इंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच।